यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7th प्रिपेयर कैंडल्स, दे स्पेंट 150 रुपीज़ ऑन वैक्स एंड रुपीज़ 8.5 ऑन थ्रेड एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कलर्ड पेपर फॉर पैकिंग वॉज, ये आपका है 12.50 एंड दे स्पेंट 9.0 ऑन सिल्वर पाउडर जो कि चमकी जिसको हम बोलते हैं, देन प्रॉफिट ऑफ 40% प्रॉफिट इफ दे सोल्ड हाफ ऑफ द कैंडल्स एट 50% प्रॉफिट, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट दे डिड डिड दे शेल अदर हाफ। देखिए, अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो ये सवाल देख रहा है, तो उसको इस फालतू झंबेले की जरूरत नहीं है। वो आप यहाँ देखो सीधा कि वो पूरी ट्रांजेक्शन पर 40% का अर्न करता है और वो आधा 50% पर अर्न करता है, प्रॉफिट पे सेल करता है, तो बाकी बचा हुआ आधा वो कितने परसेंट पे सेल करेगा? तो आपको पता है कि इस प्रॉफिट का एवरेज ही होगा जो हमें ये मिलेगा लास्ट में। तो अगर ये 50 है तो ओब्वियसली जो सेकंड हाफ रहा होगा उसमें 30% किस पर सेल करा होगा, तभी तो 50 + 30 = 80 होगा। उसके बाद उसको 2 से डिवाइड देके आपका 40% आया होगा, ठीक है? तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, पेन छूने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर जाएगा 30%, ठीक है, विदाउट एनी डाउट। लेकिन यदि आप किसी क्लास के बच्चे हैं और आप 7th क्लास के अगर हैं, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कैसे सोल्व करना है उसकी बात हम करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हमें CP निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, और CP जितना भी एक्सपेंडिचर जितना खर्च हुआ है उनका, वो सब CP है, ठीक है? तो जैसे कि उन्होंने 150 रुपये, 8.5, 12.5 और 909 रुपये उन्होंने खर्च करे हैं, तो ये सब हम ऐड कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो देखिए कैसे ऐड करते हैं। देखिए, तो CP हमारी होगी 150 प्लस 8.50 प्लस 12.50 प्लस 9, ठीक है? इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमें, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, 0 की 0 आएगी, फिर 0 की 0 पॉइंट आ जाएगा, कैरी बन जाएगा 98, ये भी 0 आ जाएगा, इधर आपका 180, ठीक है? तो कुल मिला के हमारा कितना आया, 180 रुपये, ये आपका आया है CP सर, ठीक है? और उस पूरी CP पर अगर वो बात करें तो प्रॉफिट लेता है वो 40% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है? तो वो 40% का प्रॉफिट कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम। तो प्रॉफिट होगा हमारा 40% ऑफ, भाई प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, CP पर ही तो होता है, तो 40% ऑफ CP निकलेगा, 40% ऑफ CP यानी कि 180, तो ये आपका हो जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पर ये 0, ये दोनों 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 × 72 यानी 72, यानी पूरे ट्रांजेक्शन पर उसको 72 रुपीज़ का प्रॉफिट होना है सर, होल ट्रांजेक्शन पर उसको 72 रुपीज़ का प्रॉफिट होना है। चलिए अब हम सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो उसने सेकंड चीज़ बोली है, सेकंड चीज़ उसने क्या बोली है सर, उसने बोला है कि दे इफ दे सोल्ड हाफ ऑफ द कैंडल्स एट 50% प्रॉफिट। देखिए, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो वो आधी ले रहा है, तो उसके लिए CP कितनी होगी, 80 CP भी आधी हो जाएगी यानी कि 90, भाई जब आधी कैंडल्स बेच रहा है तो उसकी आधी CP होगी यानी कि 90 CP हो जाएगी। अब और यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना लेना है सर, 50%। अब आप मुझे बताइए 50% प्रॉफिट किस पर मिलता है हमें, CP पर। तो अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर निकालूँ तो कितना आएगा, 50% ऑफ CP, और CP कितनी है, 90। तो यहाँ पर मैं इसको अगर सोल्व करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपका प्रॉफिट क्या आएगा सर, 50/100 और मल्टीप्लाई में 90, और ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 0 से ये वाली 0 और 9 × 5 = 45, यानी कि 45 रुपये तो वो यहाँ से कमा लेगा पहले ट्रांजेक्शन के, 45 रुपीज़ तो आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन से कमा लेगा सर। अब देखिए टोटल तो उसको 72 रुपीज़ कमाने हैं, ठीक है? और 72 में से 45 वो यहाँ कमा लेता है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, बाकी बचे हुए जो पैसे हैं वो अदर हाफ से कमाएगा। वो कितने बचे हैं, तो वो जो पैसे बचे हैं जो अदर हाफ से वो कमाने वाला है, जो प्रॉफिट वो अदर हाफ से बनाएगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 72 - 45 विच इज इक्वल्स टू 27। यानी कि सेकंड केस जो है जिसमें वो आधी कैंडल्स को बेचेगा उसमें वो 27 रुपये कमाएगा, और कितने पर कमाएगा आपको पता है, 90 पर, तो यहाँ पर कम हो गया 50%। अब वो जो अगला जो 27 कमेंगे वो भी 90 पर कमेंगे, यानी कि इसके लिए जो CP होगी वो कितनी होगी सर, 90 होगी, ठीक है? अब ये जो 27 का प्रॉफिट होना है इस 90 पर होना है।
अब ये 27 से 90 का कितना परसेंट है ये निकालने के लिए क्या करते हो भाई? सीधी सी बात है, आपके 90 में से 27 नंबर आए हैं, ये कितना परसेंट है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर? 100 से तो करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, और 9 से ये 3 टाइम्स, और यहाँ पर बचा 3 × 10 विच इज़ इक्वल्स टू 30, यानी कि 30% सर हमारा क्या होगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल को समझने में, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। देखिए, हमसे बोला था कि चिल्ड्रन हैं क्लास 7th के, जो कि कैंडल्स बना रहे हैं, और वो खर्च करते हैं उस तरीके से 150, 8.5, 12.5 और 9 रुपये। तो टोटल CP आपकी हो गई 180। यहाँ से वो पूरी होल ट्रांजेक्शन उसने बताया हमको, 40% का प्रॉफिट लेते हैं, तो 40% का प्रॉफिट कितना है वो निकाल लिया हमने, 72 रुपये है, यानी कि वो पूरी ट्रांजेक्शन में 72 रुपीज़ कमाने वाले हैं। उसमें फिर हमसे उसने बोला केस फर्स्ट हमारा क्या है कि जब वो आधा कैंडल एक बार बेचे और आधा कैंडल एक बार बेचें, जब वो आधा कैंडल बेचते हैं तो उसको 50% का प्रॉफिट होता है, यानी कि आधा कैंडल बेचेंगे तो CP व्याधि हो गई, यानी कि 90। तो ये जो 50% का प्रॉफिट होगा इस 90 पर होगा, तो 50% ऑफ 90 विच इज इक्वल 45। अब इस 72 में से वो 45 तो ही कमा गया, बाकी बचे हुए वो कहाँ कमाएगा? सेकंड ट्रांजेक्शन में तो कितने कमाएगा? 27 कमाएगा। कितने पर सर? 90 पर तो कमाएगा, क्योंकि पहले CP 90 थी, वो बची कुछ CP 90 होगी सेकंड के लिए। तो ये 27 किस पर कमाएगा? इस 90 पर। तो 90 पर ही 27 कितने परसेंट होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देख लेंगे कितना परसेंट, 30%, यानी कि 30% वो किससे कमाएगा सर? सेकंड ट्रांजेक्शन से कमाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, वैसे देखने में काफ़ी लेंथी से लग रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर है ना सर, तो फिर हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपना योगदान दीजिएगा, और हम साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कृपया करके मेरा जरूर साथ दें, मैं भी आपको और आप मैं भी आप सभी के साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।